मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरे कमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है बेसन के लड्डू की है। राखी का टाइम है और दोस्तों, बेसन के लड्डू आप बना के मिठाइयों में आप दे सकते हैं अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को। ये काफ़ी टेस्टी लड्डू है दोस्तों, आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसकी रेसिपी भी देखिए। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ वो बेसन के लड्डू की रेसिपी है, जिसके लिए बेसन जो है मैंने 250 ग्राम लिया है, 100 ग्राम जो है रवा ले लिया है और 200 ग्राम जो है देसी घी ले लिया है। ये मीडियम आंच पे जो है मैंने गैस ऑन कर दिया है और इसमें जो है हम बेसन को जो है गर्म करेंगे। और 100 ग्राम जो है हम रवा भी ऐड कर देंगे इसमें। इसको सब अच्छे से हम स्टर करते रहेंगे, क्योंकि मीडियम आंच पे होने देना है इसे, और बीच बीच में स्टर करते रहना है दोस्तों से। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें जो है हम थोड़ा थोड़ा करके जो है घी ऐड करेंगे, मेल्ट करके। पूरा घी एक साथ नहीं डालना हमें, थोड़ा थोड़ा करके हमें घी ऐड करना है और बीच में स्टर करते रहना है, मिक्स कर लेना है इसको अच्छे से। इस प्रोसेस में दोस्तों कंटिन्यूसली आप जो है अपने हाथ जो है स्टर करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रा सा अगर टाइम लगा तो बीच में नीचे लगने का डर रहेगा। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, थोड़ा सा घी फिर ऐड करना हमें और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, क्योंकि स्टर करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, ये जो बेसन है नीचे लग सकता है, इस वजह से इसको अच्छे से मिक्स करके कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहना है, हाथ चलते रहना चाहिए दोस्तों। इसमें इस पूरी प्रोसेस में लगभग दोस्तों 45 मिनट्स लगते हैं लड्डू बनने के लिए, टोटल 45 मिनट्स लगेंगे। देखिए दोस्तों, अब जो है इसका कलर चेंज हो गया हल्का सा, देखिए आप, अच्छा सा पक चुका है। इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे हम और इसको और सेक लेंगे, बीच में पूरा स्टर करते रहना है, हाथ नहीं रुकने देना है। ये प्रोसेस लगभग 45 मिनट्स की है, 45 मिनट्स जो है लड्डू बनने में लगते हैं दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग हमें जो है आधा घंटा होने आया है, अब काफ़ी अच्छा कलर हो गया इसका और गाढ़ा अच्छा पेस्ट बन गया है ये डव। अब देखिए, इस टाइप से ही हमें जो है ज़्यादा क्वांटिटी में हमें घी ऐड नहीं करना, 200 ग्राम घी लिया था लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही यूज़ करा, इतना घी फिर भी मेरा बचा है, इसलिए जब भी घी डालेंगे आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ज़्यादा अपने को यूज़ होने पे वो पतला हो जाएगा, इसलिए इतना ही गाढ़ा पेस्ट बनना चाहिए ताकि हम जो है लड्डू बना सकें। ये देखिए फ्रेंड्स, 45 मिनट्स हो चुके हैं और काफ़ी बढ़िया कलर आया है इसमें, आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा टेक्सचर भी लग रहा है इसमें। अब इसको जो है 10 से 1 मिनट हम ठंडा होने देते हैं। इसके ठंडा होने के बाद इसमें हम शक्कर का पाउडर ऐड करेंगे, लगभग 200 ग्राम के शक्कर हम लेंगे, इसका पाउडर ऐड करेंगे हम और ड्राई फ्रूट्स मिला के इसके लड्डू बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें जो है थोड़ी थोड़ी करके जो शक्कर का जो बूरा है वो ऐड करना है। ये लगभग 200 ग्राम लिया है मैंने, बट थोड़ा थोड़ा करके ही हमें ऐड करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस टाइप से दोस्तों, शक्कर का पाउडर डाल के, ताकि शक्कर जो है सब में अच्छे से घुल जाए। फ्रेंड्स, आप आपके टेस्ट के हिसाब से इसमें मीठा शक्कर ज़्यादा और कम यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसमें 200 ग्राम शक्कर का पूरा यूज़ करा है और इसके साथ जो है ड्राई फ्रूट भी हमें जो है चॉप करे थे वो डाल देंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों।